नमस्कार किसान भाइयों, पटेल एग्रीकल्चर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बाजू के बेल आइकन को ऑल पर कर हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले पाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सिंजेंटा की अलीका इंसेक्टिसाइड की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या टेक्निकल है, क्या इसका क्रॉप स्प्रे है, क्या इसमें इंसेक्ट कितने इंसेक्टों को कंट्रोल करता है, इसका डोज, इसका मात्रा, इसके रिजल्ट टाइम पर आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, इसका सबसे पहले हम टेक्निकल जान लेते हैं कि इसमें टेक्निकल क्या है। इसमें टेक्निकल है थाइमेथोक्सोम 12.6% और जो कि लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5% के साथ आता है। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से ये टेक्निकल इल्लियों की रोकथाम के लिए काम में आता है ना। इसमें सभी प्रकार की इल्लियाँ नियंत्रित की जाती हैं और काफ़ी तरह के इंसेक्ट भी कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे कि यह इंसेक्टिसाइड है। तो सबसे पहले हम बात ही इसकी कर लेते हैं कि किन किन इंसेक्टों को यह कंट्रोल करता है। तो यह वाइट फ्लाई, एफिड जेसिड, माहू, तेला, हरा मच्छर, थ्रिप्स, हॉपर, तनाछेदक, मक्खी, इसके अलावा सभी प्रकार की इल्लियों को भी यह नियंत्रित करता है, जैसे कि तम्बाकू इल्ली, पत्ता लपेट, फल्ली छेदक, रस, जितने भी रस चूसक कीट होते हैं। तो वह यह टेक्निकल जो कि थाइमेथोक्सोम और लैम्डा साइलोथ्रिन जो है वो सभी प्रकार की इल्लियों और बहुत सारे कीटों को नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से इसका इल्लियों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लें किन किन फसलों पर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका छिड़काव हम सोयाबीन, मूंगफली, कपास, अरहर, मटर, धान, टमाटर, मिर्च, बैंगन, कद्दू एवं सब्जी संबंधित सभी फसलों पर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, है ना। अन्य प्रकार की जितनी भी सब्जी बागवानी की जो फसलें होती हैं हम उस पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें जो ये टेक्निकल जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, थाइमेथोक्सोम और लैम्डा साइलोथ्रिन, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निकल माना जाता है और सभी प्रकार की जैसे कि इल्लियों को यह कंट्रोल कर लेता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसका जो डोज़, किसान भाइयों कभी भी किसी भी दवाई का डोज़ आप एकदम बराबर मात्रा में डालें। जैसे कि इसका डोज़ है 80 ml प्रति एकड़, यानी कि 150 लीटर पानी में आप 80 ml मिलाकर इसका प्रति एकड़ छिड़काव करवा सकते हैं। और यदि हम प्रति पंप की बात करें तो 15 लीटर पानी में आप 8 से 10 ml मिलाकर इसका छिड़काव करवा सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात, इसकी कीमत किसान भाइयों हर एक मार्केट में अलग अलग हो सकती है। आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपके मार्केट में कितनी है इसकी कीमत। हाँ, जो इसकी कीमत आमतौर पर होती है एक लीटर की 2400 से 2600 प्रति लीटर यह आता है। और इसकी बात करें हम रिजल्ट टाइम की, तो 20 से 22 दिनों तक इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, इसके बाद इसका असर कम हो जाता है। और किसान भाइयों, कुछ सावधानियां जो भी आप कभी इंसेक्टिसाइड या किसी भी दवा को छिड़काव करने के समय ज़रूर रखें कि खेत में बराबर मात्रा में पानी डाल लें उस, या और धूप में इसका छिड़काव कभी ना करवाएं। किसी भी इंसेक्टिसाइड का धूप में छिड़काव नहीं करवाना चाहिए, उसका छाँव में छिड़काव करवाएँ, पानी की बराबर मात्रा लाएँ और चिपकों का ज़रूर उपयोग करें। चिपकों में होता क्या है, जो दवा जो रहती है वो पूरे पत्ते में एकदम फैल जाती है, तो पत्ते में जैसे ही फैल जाएगी तो कोई भी कीट उस पर बैठेगा तो आसानी से दवाई के संपर्क में आ जाएगा। तो आज हमने किसान भाइयों बात करी सिंजेंटा अलीका की रस चूसक कीटों की विशेषताओं के बारे में, जिसमें जो टेक्निकल थाइमेथोक्सोम और लैम्डा साइलोथ्रिन है जो कि रस चूसक कीटों को आसानी से नियंत्रित करता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।